أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم viewers हाई टैलेंस पे आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आज 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम है और कराची के अंदर एक अफसोसनाक जो इंसिडेंट हो गया और कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह यह सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से आज जो है मुबैना टाउन थाने की हदूद के अंदर अबुल हसन असवानी रोड पर एक इंसिडेंट हुआ है। दो मजहबी जमातों के दरमियान जो है तसादुम हो गया, क्लैश हो गया, और जिसकी वजह जो है ये है कि वहाँ पर मुहर्रम के हवाले से सबीलें लगाई गई थी और नुहा जो है वो समझने के डेक्स वगैरह पे या स्पीकर पे, लाउड स्पीकर्स पे चलाया जा रहा था, और बिलाल मस्जिद जो है उसी रोड के ऊपर जो है वाकई। तो लोगों का कहना ये कि जो नुहा वगैरह जो चलाया जा रहा था और जो कंपेयरिंग की जा रही थी माइक के जरिए, तो उसमें जो है गलत किस्म के जो है अल्फाजात, जिससे दूसरे मसलक की जो है इज्जत नफ्स जो है मजबूर हो, उनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा था, ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो इस वजह से जो है तसादुम हुआ और वो सुन्नी अक्सरियती इलाका है, वहाँ पर जो है सुन्नी अफराद की जो है अक्सरियत है। बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ, और ये असल वजह इसकी जो है अदब बर्दाश्त है दोनों तरफ से, चाहे वो सुन्नी हो चाहे अहलेदशी हो। हमारे अंदर है अब जो है अदम बर्दाश्त का मादा जो है ख़त्म हो गया। अगर वाकई इस किस्म के नुआ खानियाँ या जो है कोई इस किस्म के नाजिबा हरकत की जा रही थी, तो भाई उसकी भी मुरम्मत करते हैं, वो भी गलत है। और सिर्फ अगर सबीलें लगाई गई और नुआ चलाया जाता और उसके ऊपर जो है अगर इस तरफ से सुन्नी मस्जिद की तरफ से ये हरकत हुई, तो भी गलत है। तो बहरहाल ये एक अफसोस का वाकया जो नहीं होना चाहिए था। ये फुटेज तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं चल रही है, तो इसको आप देख सकते हैं, मुकम्मल में दिखा नहीं सकता। YouTube की तरफ से जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट चले जाता है, तो भी चैनल पे स्ट्राइक आती है। बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ, इसकी जो वजूहत थी वो मैंने आपको बता दी। फैसला करना जो है आपका काम है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। हार्ड टाइनर से जुड़े रहें और आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बासानी पहुंच सके। मुझे मुजम्मिल सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।